सो किड्स ऑन नेक्स्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो पेज है वो पेज नंबर 43 है एंड ऑल्सो लेसन इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो हेयर आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लुक एट दीज एंड लर्न देयर नेम. अब यहाँ पर कुछ हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ तस्वीरें हैं जो अक्सर क्या करते हैं हम लोग जब देखते हैं तो अक्सर हमें टीवी पर या हमें जब हमको म्यूज़िक देखते हैं तो हमें सुनाई देती हैं. सो उनके पीछे यानी जो म्यूज़िक बज रहा होता है, जो आवाज़ें आ रही होती हैं उनके पीछे जो आवाज़ आ रही होती है वो इन्हीं चीज़ों की होती हैं, यानी इन्हीं चीज़ों को मिलाकर बजाकर तो क्या करता है म्यूज़िक बनता है. एंड द फर्स्ट इज़ पियानो. ये पियानो है, पियानो पियानो एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है और ये बजाते हैं, इसे एक से दो बंदे भी बजा सकते हैं और इसे अकेला एक भी बजा सकता है. नेक्स्ट ड्रम. ड्रम अक्सर हम लोगों ने अपने स्कूल्स में भी देखा कि जब परेड वगैरह होती हैं या जब स्कूल का जब हम लोग तराना वगैरह बोल रहे होते हैं या फिर हम लोग पीटी वगैरह कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा ड्रम जो है वो बजाया जाता है. नेक्स्ट ढोलक. ढोलक जो है वो अक्सर हम लोग जब हमारे कज़न की या हमारे बड़े भाई की या छोटे भाई की या किसी रिलेटिव की या पप्पो की मामू की इनकी शादी होती है तो हम लोग अक्सर जो है वो ऐसी ढोलक जो है वो बजाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर उस पर गाने वगैरह गाते हैं, यानी जिसे आमतौर पर इसका एक दिन भी रखा जाता है जिसे ढोलकी कहते हैं कि ढोलकी का दिन है तो आप लोगों ने ढोलकी में आना. सो ऐसी ही ढोलकी जो होती है वो क्या करते हैं वो बजाते हैं. देन नेक्स्ट यहाँ पर आ गए हमारे पास है गिटार. सो गिटार ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा होता है, इसे भी क्या करते हैं लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बजाते हैं. इसके अंदर कुछ तारें होती हैं जिसे क्या करते हैं हाथों से बजाया जाता है और उसमें से डिफरेंट कलर की या मुख्तलिफ आवाज़ें या मुख्तलिफ साउंड निकलते हैं. नेक्स्ट इज़ फ्लूट. फ्लूट को बांसुरी भी कहते हैं और ये बांसुरी जो होती है ये अक्सर हम लोग अगर ड्रामास वगैरह देखते हैं या अगर हम लोग कोई कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो अक्सर उनमें ऐसे ही फ्लूट को बजाया जाता है. द नेक्स्ट वायलिन. वायलिन भी बहुत ही खूबसूरत सा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इसे क्या किया जाता है ये भी बजाया जाता है. इसके साथ एक स्टिक नुमा होती है जिसके ऊपर कुछ वायर्स लगी होती हैं जो दूसरी वायर्स के साथ लगते ही डिफरेंट कलर की आवाज़ों को निकालती हैं. सो किड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से हमारे पास कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जिन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. द नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट पेज ऑल्सो नेक्स्ट पेज इज ऑन पेज नंबर 44 एंड ऑल्सो टॉपिक इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द टॉपिक इज एक्टिविटी एंड द फर्स्ट एक्टिविटी इज ड्रा योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हमने यहाँ पे क्या करना है अपनी फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनानी है. सो मुझे फ्लूट बहुत पसंद है सो मैं यहाँ पर एक फ्लूट को बनाऊँगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से. फ्लूट तो ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ इन सर्कल्स पे फिंगर्स रखते हुए इस फ्लूट को बजाया जाता है. देन नेक्स्ट पेज द पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर रिलीजन. आपने रिलीजन के मुआफिक आपने यहाँ पर तस्वीर लगानी है. सो मैं यहाँ पर एक ढोलक की तस्वीर लगाऊँगी जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से तस्वीर को पेस्ट किया. सो किड्स आई होप यू एंजॉयड ऑल लेसन एंड ऑल्सो आप इसे खोलेंगे और इसे खोलकर पढ़ेंगे और एक्टिविटी को भी करेंगे. ओके किड्स अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.